When it's hot outside, using AC is very expensive. To save the money or to help the environment, these alternative methods is for you to keep your house cool without AC in summer. So first one is create a DIY air cooler. अगर आपके पास फैन है तो उसके आगे क्या करो, एक बाउल को फिल कर दो आइस से, ठीक है? तो जब फैन की हवा आएगी तो उससे पास होती भी आएगी, तो इससे आपका रूम क्या होगा, कूल हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वन इज यूज फैन स्ट्रेटेजिकली. फैंस जो होते हैं उसे आप विंडोज और डोर्स के आगे लगाओ क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, बाय ड्रॉइंग द एयर कूलर फ्रॉम आउटसाइड, जिससे वार्म हवा क्या हो, बाहर पुश हो सके, ठीक है? नेक्स्ट इज क्लोज द कर्टेंस एंड शेड्स. अगर आपके कर्टेंस वगैरह ओपन होते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट जो है वो अंदर आ जाती है, ठीक है? जिससे क्या होता है, रूम में हाउस में बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाती है, ठीक है? तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, एसी चलाने का. तो इसीलिए आपको कर्टेंस वगैरह हमेशा दिन में बंद रखने हैं, ठीक है, सनलाइट के टाइम पे, जिससे कि आपके रूम में हीट ना बढ़े. लास्ट वन इज जस्ट टर्न ऑफ द हीट सोर्सेस. जस्ट जो अननेसेसरी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ओपन हैं, जैसे लाइट बल्ब वगैरह, जिससे हीट बहुत ज्यादा बढ़ती है रूम में, ठीक है? तो उन सबको आपको क्या करना है, टर्न ऑफ कर देना है, जिससे आपका रूम में इतनी गर्मी ना बढ़े, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.